शिमला मिर्च, शिमला मिर्च और प्याज जो है वो मैंने एक साइज में काटा हुआ है। तो प्याज और शिमला मिर्च हमारा भून के तैयार हो गया है। अब मैं इसकी ग्रेवी बनाऊंगी। ग्रेवी के लिए मैंने अरारोट और जो कॉर्नफ्लावर है उसको मिक्स करके मैंने पानी में घोल बनाया है, तो इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा करके नहीं, और बीच में चलाते रहेंगे। मैंने आंच बिल्कुल धीमी कर दी है और अब मैं एक साथ इसको डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं डालूंगी इसमें रेड चिली, सोया सॉस। अब अगर आपको ज़्यादा कलरफुल चाहिए तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अदरवाइज क्वांटिटी में ये ठीक रहेगा। इसके ऊपर से हमने सॉस डाला हुआ है, टोमेटो केचप सॉस। सारे को मिक्स करने के बाद अगर आपको थिक रखना है तो आप इसमें पनीर डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालना है, क्योंकि कोटिंग के समय भी हमने नमक दिया था, तो अभी नमक भी स्वाद के अनुसार। अच्छे से ग्रेवी के साथ ये मिक्स हो गया है। इसके ऊपर मैं डालूंगी धनिया पत्ता, वाइट तिल, सफेद तिल जिसको कि मैंने रोस्ट करके रखा था, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।